हाउ वाटर इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि बचपन में पढ़ाया जाता है 70% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है। सो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कुछ लोगों को पानी, कुछ लोग कम पीते हैं क्यों, क्योंकि उनका वेट नहीं बढ़ेगा, उनको लगता है कि हाँ हम पानी कम पिएंगे हमारा वेट बढ़ेगा, कम बढ़ेगा मतलब। सो मैं उनको बताना चाहूँगा कि पानी पीने से आप मोटे नहीं होते हो कभी भी। हाँ, वाटर हेल्प्स यू टू लूज़ योर वेट, मतलब जितना ज़्यादा पानी पियोगे तो उतनी आपको मदद मिलेगी और आप हाइड्रेट, सबसे बड़ी बात आप हाइड्रेट रहोगे, ठीक है। अगर आप हाइड्रेट रहोगे आप काम अच्छी तरह अपना सब कुछ कर पाओगे। पानी कम पीने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे हमारी किडनीज पे, अगर आप पानी कम पियोगे तो हमारे किडनीज पे भी बहुत इफेक्ट होता है उसका, पानी कम पीने का। हाँ, हमें एक्ने हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, वो भी क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इनफ वाटर हम नहीं पी पा रहे हैं, जितना हमें पानी चाहिए वो नहीं पी पा रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमें वर्कआउट करते हुए पानी नहीं पीना चाहिए। मेरा ये मानना है वर्कआउट करते हुए हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम इतना पसीना बहा रहे हैं, इतना हमारी बॉडी से पोटेशियम सोडियम निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, और पानी निकल रहा है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। सो मैं ये बोलूँगा कि आप वर्कआउट के अंदर भी पानी पियो, कि आप वर्कआउट के अंदर भी हाइड्रेट रहो। एंड सबसे बड़ी बात जो मेरे तक, मेरे करियर में आ सके, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रहती है बेसिकली, वो क्योंकि मैं पूछता हूँ क्यों भाई क्या हो ऐसा, पानी वो पानी नहीं पीते हैं, पानी पीने पूरे दिन में, सुबह से उठ के मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने पानी कितना पिया सुबह उठ के, बहुत पी लिया, चार गिलास, नहीं बहुत नहीं पी लिया, वो पीते ही नहीं है बेसिकली। तो उन आप अपने इंजन को क्लीन ही नहीं कर पाते बेसिकली। हम इसलिए फाइबर लिखते हैं, जितना सैलेड लिखते हैं, फाइबर खाओ या सैलेड खाओ, क्यों, ताकि आपका इंजन है जो सिस्टम आपका क्लीन रहे, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी पानी की, पानी पीने का मेन रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में 20 से 30% इनफैक्ट ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है। सो पानी पीने के जो मेन मकसद यही है। और आई थिंक हमें, तेरे को एयरपोर्ट पे अभी आते हुए मिले थे कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, लोगों को बड़े मिथ है, लोगों पिघल जाता है उससे अंदर, अपने अंदर बॉडी लोगों को बड़े, लोग कहते हैं कि हम वर्कआउट नहीं कर सकते, प्लास्टिक है जो पिघल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को लगता है कि हम वर्कआउट नहीं कर पाते। पानी पियो आप, जस्ट ऐसे करो, तो हम लोगों को हम वर्कआउट नहीं पीते, पुलिस वाला था एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे था, मुझे कहता कि सर मैं वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ, बट हाँ अगर मैं गर्म पानी पीऊँ तो क्या मैं पतला हो जाता हूँ। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैं कहता देख भाई पानी पी चाहे ठंडा चाहे पी गर्म, मगर उसका अलग है, उसका उसने आपका फैट को गर्म करके अंदर से जला नहीं देना है, आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा तो उसके लिए। लोगों का मिथ है कि आपको पानी गर्म पियोगे तो मे भी शायद उनका फैट बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जस्ट आपको पानी पियो, इनफैक्ट रोजाना आप दिन में 4 to 5 liter अपना इंटेक रखो। इनफैक्ट मैं पिछले 8 सालों से 8 से 9 liter पानी रोज पीता ही हूँ, जो कुछ मर्जी हो जाए। इनफैक्ट मेरा रेगुलर इतना ही रहता है, सुबह उठता हूँ पानी पीता हूँ, देन फ्रेश होता हूँ, देन अपना कार्डियो करता हूँ, उसके बिटवीन में पानी पीता हूँ, देन मैं अपना मील लेता हूँ उसके। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप एकदम से खाना खा के, कुछ भी खाना खाते हो एकदम से पानी पी लेते हो, वो गलत है, एकदम से नहीं पीना चाहिए। अभी कभी भी आप खाना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक अपना 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं पानी जब भी मील खाता हूँ, मील खत्म होने के 20-25 मिनट बाद पानी पीना स्टार्ट करता हूँ, और मील खाने से पहले 20-25 मिनट पहले पानी पीना बंद कर देता हूँ। सो आप ये ध्यान रखिए। आपको अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो ये वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।